धरणदास विषय हिंदी गद्य चार एक प्रश्न चार उत्तर लेखक श्री प्रकाश जन्म सन 1890 ईस्वी सन निधन सन 1971 ईस्वी सन कवि का परिचय श्री प्रकाश हिंदी के जाने माने साहित्यकार हैं। उन्होंने अपनी लेखनी के द्वारा राष्ट्रभक्ति, सांस्कृतिक उत्थान, सामाजिक उत्थान एवं समसामयिक समस्याओं पर प्रकाश डाला है। उनकी भाषा सरल एवं सहज है। उन्होंने निबंध लेखन स्मरण जीवनी पर भी अपनी कलम चलाई है। छोटी छोटी बातों पर गहरा चिंतन उनके साहित्य में देखने को मिलता है। तो विद्यार्थी मित्रों, जीवनी और आत्मकथा में दोनों के बीच कुछ फर्क है। जीवनी जीवित व्यक्ति लिख सकता है और आत्मकथा उसके जीवन के बारे में दूसरा कोई लिखता है। तो कवि को लेखक को यहाँ एक प्रश्न चार उत्तर। कवि को एक प्रश्न बहुत सताता है, वो लेखक कहते हैं कि हमारे देश में कई विद्वान लोग आए हैं, कितने आंदोलन हुए हैं, फिर भी हमारा देश उन्नति क्यों नहीं कर सकता है। इसका उस प्रश्न का जवाब ढूंढने के लिए लेखक बहुत चिंतित होते हैं और लेखक को यह प्रश्न सताता है कि हमारा देश उन्नति क्यों नहीं कर रहा है। लेखक देश की दशा को लेकर चिंतित है। उन्हें इस बात की चिंता है कि देश में कई विशेष पुरुष हैं और यहाँ बड़े बड़े आंदोलन भी हुए हैं, फिर भी हमारा देश उन्नति क्यों नहीं कर रहा है। यह प्रश्न उन्हें परेशान करता रहता है। यही प्रश्न वे अपने विदेशी मित्रों से भी सुअवसर मिलने पर पूछ बैठते हैं, जो यहाँ लंबे अरसे से रह रहे हैं और काफी अनुभवी है, अनुभवी भी है। अपने विदेशी मित्रों से यह पूछना उनका खप्त का अर्थ होता है धुन। यहाँ लेखक को एक प्रकार की धुन लगी है। उनके मन में एक प्रश्न बहुत सताता है, वो चिंतित है और वो अपने विदेशी चार अनुभवी मित्रों से यही एक प्रश्न का उत्तर पूछ लेते हैं।